जनता को मैसेज मेरा यही है, आजकल लोग सिर्फ पार्टियों को देखते, कैंडिडेट को नहीं देखते। एक बार अगर कैंडिडेट पे भरोसा करें तो वो वाली बात है। इलाके का बावड़ विधानसभा क्षेत्र का हमें विकास करना, पहले भी मैं बावड़ विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ चुका हूँ और अपनी जीप से बहुत विकास कार्य है। आज कांग्रेस का कैंडिडेट को देख लो, भारतीय जनता पार्टी वाले कैंडिडेट को देख लो, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को तो यही नहीं पता इलाके की टोटल गांव कितने हैं। तो मेरी तो जनता से सिर्फ ये प्रार्थना है, अगर आपको लगे मैं किसी लायक हूँ मुझे एक बार सेवा का मौका दें। और रही उसकी बात, अगर जिस अधिकारी ने काम ना करा इतना तो दम रखता हूँ, बांध के पटक दूंगा, इलाके के विकास में कभी नहीं छोड़ूंगा। भैया जी, आपने पहले भी यहाँ बाहर से चुनाव लगाए, तब समय में और आज के समय में क्या चुनौतियों में फर्क है? सर देखो, पॉलिटिक्स का चाल चलन चरित्र सब कुछ बदल गया। पहले जो था, एक जो आम आदमी पार्टी है, कोई भी चाहे कांग्रेस है चाहे वो है, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट मिलती थी। अब पार्टियों के अंदर भी बड़ी हेराफेरी है, बहुत वो है। मैंने भी कांग्रेस पार्टी का टिकट मांगा, संघर्ष किया पार्टी के लिए, उन्होंने नहीं दिया। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी ने मेरे पे भरोसा किया, मुझे उनकी नीतियों में भी भरोसा है। मेरी बेटी भी नगर परिषद चेयरपर्सन का इलेक्शन आम आदमी पार्टी से लड़ी है, तो हम यहाँ से आम आदमी पार्टी को जिताने का काम करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। और हमारे साथ तो पुराने मेरे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़े। यहाँ के मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे सबसे पहले तो यही रहेंगे, जो आज SDM साहब ने यह गदर मचा रखा है, 10 से 12 कमल के फूल के निशान को याद रखें, 10-12 एकड़ के अंदर ओडी गांव के अंदर जयपुर हाईवे पे कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है। अधिकारी यहां से मिली भगत से पैसा लेते हैं, महेंद्रगढ़ नारनौल तक का कूड़ा यहां डलवाते हैं। मेरी इन अधिकारियों को चेतावनी है, या तो ये बंद कर दें। अरे आज जो कैंसर का खतरा 50-60 गांवों में मंडरा रहा है, ये बर्दाश्त मैं तो नहीं करूँगा। एक तो मेरा ये मुद्दा रहेगा, एक टपोकड़ा और भिवाड़ी इंडस्ट्रीज का जो पानी हरियाणा के अंदर आ रहा है, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को चेता देना चाहता हूँ, या तो इनको बंद करवा देना इस पानी को, और नहीं हम जयपुर हाईवे को जाम करेंगे, चक्का जाम कर देंगे इनका, तो पानी की सुविधा देंगे। पावड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्री जोन के अंदर जो बाहर के लोगों को लगाया जा रहा है, 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी दी जा रही है, ठेकेदार मलाई मार रहे हैं। इन ठेकेदारों की और प्लांट हेड और HR की हम इनको रेल बना के रख देंगे, और सबसे पहले लोकल पावड़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिलाएंगे। बावल की जनता से क्या अपील कर रहे हैं? मैं तो बावल की जनता से भाई यही अपील करूंगा, सब लोगों ने देख रखा है जवाहर का नेचर कैसा है। मैं मुख्यमंत्री की आंख में आंख मिला के बात करने का दम रखता हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको पकड़ के रखने का भी दम रखते हैं। हम इलाके का विकास करेंगे, हम डरपोक नहीं है। जो वीर पुरुष होते हैं वो कहते हैं ना, कितनी आंधियां चले कितने ही तूफान, पर्वत सा भी चल खड़ा, यही भाई जवाहरलाल की पहचान। मुकाबला किस किन से बांधते हैं अपना? देखो, मुकाबला मेरा किसी से नहीं है, मेरा तो जनता से अपील है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, वो जिसको चाहेगी उसको तक तो ताज दे देगी। हम तो सेवा करने आए हैं, इलाके की सेवा। लेकिन जवाहरलाल जी, लोग बोलते हैं चुनाव के समय आप आ जाते हैं 2-3 महीने पहले, 5 साल लगातार आप इलाके से दूर रहे। देखो, 5 साल में बहुत कम टाइम आया। अब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तो मैंने तो 17 साल यहाँ संघर्ष किया है, इतना संघर्ष करने के बाद, लोगों की अच्छाई करने के बाद भी मेरे को ऐसा लगा, तो जब वोटें मिली नहीं पाती, पार्टियों की टिकट मेरे को मिल नहीं पाती, तो मेरा राजनीति से थोड़ी सी मेरे को नफरत सी हो गई थी। पहले मैं जो देखो अपना व्यापार देखना है, पहले घर परिवार पालना, अब मैं रोज राजनीति में तो एकदम भाग नहीं सकता ना। मैंने 17 साल यहाँ इलाके में संघर्ष किया हुआ, मेरा टिप्सों पे गांव है, आज गिनवाने पे आऊँ। इन कैंडिडेटों को एक बार सारे को बुलाओ, इनकी डिबेट करवाओ, जौन सा लायक हो उसको जनता मौका दे, अगर मैं ना लायक हूँ अभी के अभी त्याग पत्र दे के अपने घर चला जाऊँ।